So this is Sukumar Yadav once again in front of you. और आज मैं फिर से क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज चल रहा है उसमें से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिए हैं ऑलरेडी और मैं क्वेश्चन को रीड भी कर दूंगा. तो मैं आज ट्राई ये करूंगा इस वीडियो में सॉल्व करने की कि अगर 1.11, 1.12, 1.13 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये 1.12 से ही रिलेटेड है, 1.14, 1.15, 1.16 जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे, 1.16 को भी स्किप किया है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, और 1.17. तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 1.11, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. तो 1.11 में क्या है क्वेश्चन में एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा आंसर समझना. ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻¹⁷ कूलम. कह रहे हैं कि कोई पॉलीथीन को जब वूल से रब किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. किस पर आ जाता है? पॉलीथीन पर. पॉलीथीन को जब वूल से रब किया जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ? इसने जो वूल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. इट मीन्स इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज ना करके जो वूल है वूल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उस पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज. ऑलरेडी हमें पता चल गया है. और there is a value of that negative charge in nothing but −3 × 10⁻¹⁷ कूलम. okay, ये हमें given है. अब हमें calculate क्या करना है? estimate the number of electrons transferred from which to which. तो number of electrons कितने transferred हुए वो हमें बताना है, कहाँ से कहाँ. तो बहुत simple सा है हमें भाई, पहला वाला part तो already पता है. तो number of solution restart करता हूँ. ये given that already लिख दिया था मैंने. तो बताइए इसके लिए हम क्या करें? क्वांटाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं. क्वांटाइजेशन इक्वल टोटल चार्ज इनटू एन ई, एंड हियर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नेट चार्ज कितना है? −3 × 10⁻¹⁷ नेट चार्ज है. एन हमें कैलकुलेट करना है, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. एन की वैल्यू निकालनी है तो एन को वन साइड ही रहने देते हैं. और ये क्या हो जाता है बताइए? −3 × 10⁻¹⁷ अपॉन −1.6 × 10⁻¹⁹. ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. एडिशनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा. तो ओवरऑल ये हमारा क्या आंसर मिलता है देखते हैं. तो ये 30/16 हो गया है और ये हो जाता है 10⁻¹⁷ और ये +19 हो जाएगा. कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा. अब ये 30 है तो इसमें से हमने क्या किया? और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. बताइए 19 तो ये कितना हो जाएगा? 9 − 7 = 2. तो ये 12 बचेगा. 30/16 × 10⁻¹⁰ n, और इसको हम डिवाइड करें तो 1. something कुछ आना चाहिए. कितना आएगा? 30 और ये कितना है? 16. तो 16 बन जा 16. 10 − 6 = 4 and 1. डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर. कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम देखें. 7 8 टाइम देखें. 9 टाइम्स देख लेते हैं. चलिए 9 टाइम्स में तो ये ज्यादा आ रहा है. तो नियर अबाउट ये कितना हो जाना है? 1.8 × 10⁻¹⁰ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मिस अप्रोक्सीमेट इसको अगर हम बोलें तो अप्रोक्सीमेट में हम इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं. तो 2 × 10⁻¹⁰ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसमें? उस बॉडी में, पॉलीथीन में. और बोले कहां से कहां तक? तो ये ऑलरेडी हमें गिवन है. तो ये किस में ट्रांसपोर्ट हुए हैं? पॉलीथीन में ट्रांसपोर्ट हुए हैं. राइट, पॉलीथीन में ट्रांसपोर्ट हुए हैं. बी पार्ट इसका देख लेते हैं. तो बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं, बी पार्ट को एक बार रीड कर लेता हूं. तो बी पार्ट में पॉइंट इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. डेफिनेटली देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ. बी वाला पार्ट यहां पर लिख लेते हैं. यस,
यस देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास। कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो मास हम टोटल क्या कर सकते हैं, मास ट्रांसफर्ड मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बताइए कहां से कहां, वुल टू पॉलीथिन। क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर्ड हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है। ओके, हम कंसीडर कर सकते हैं नेगलिजिबल मास ट्रांसफर्ड हुआ, बट कुछ तो हुआ है। फ्रॉम वुल टू पॉलीथिन कितना हुआ, तो मास के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन सॉरी मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर अबाउट हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा है 2 × 10^12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10^-31 kg। तो कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ है नियर अबाउट देख लेते हैं। सो 2 × 2 × 2 × 9 = 18। सो 18.2 × 10^12 − 31 kg, इसको पोल लिखें तो ये आ जाता है 18.2 × 10^12, बताइए माइनस 11 − 2 = 9 − 1 − 19 kg। नियर अबाउट इतना मास ट्रांसफर्ड हुआ है मून से किसमें, पॉलीथिन में। गेटिंग, चलिए लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं और इतना मास ट्रांसफर्ड हुआ है। चलिए आई होप समझ में आ गया है। तो 1.12 देख लेते हैं, हम 1.12 देखें, 1.12 चलिए 1.12 में हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। टू इंसुलेटेड, इसके भी टू पार्ट्स बने हुए हैं। ए पार्ट, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्क्वायर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, राइट, मीन्स उनकी सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10^-7 कूलॉम। इफ द रेडाई of A and B are negligible as compared to the distance of separation between them. ये A में दिया हुआ, second में बोल रहे हैं what is the force of repulsion if each sphere is charged double than above amount and distance between them is half. चलिए दोनों parts को हम समझ लेते हैं। पहले हम given solution start करते हैं, और solution जब हम start करते हैं तो given that लिख लेते हैं। वैसे मैं one time यहाँ पर लिख दिया है, देखिए दो sphere ले रहे हैं और उनकी radius near about negligible है। नेगलिजिबल होगी तो हम उसको उन स्पेयर्स को क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो ये स्पेयर ए है, ये स्पेयर बी है, तो स्पेयर का ए का चार्ज उन्होंने बोला है, ए और बी के दोनों की वैल्यू उन्होंने बोल दी है 6.5 × 10^-7 कूलॉम, ये ए और बी की वैल्यू है। और डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, 50 सेंटीमीटर, 50 × 10^-2 मीटर, बिकॉज सेंटीमीटर इज 10^-2 ये दिया हुआ है। तो अब हमें ए में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं नहीं रखा, मतलब एयर और वैक्यूम रखा है। तो फोर्स बिटवीन देम क्या होगा बताइए, 1/4πε₀₀ q1 q2 means 6.5 × 10^-7 एंड होल स्क्वायर आ जाना है अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में अगर मैं इसको करूँ सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाता है, 100 हो जाएगा, राइट ना, और 100 में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये 0.5 और ये क्या जाएगा, होल स्क्वायर जाना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10^9 और ये 6.5 स्क्वायर आ जाएगा, राइट ना, और ये 10^-14 आ जाएगा, ये क्या जाएगा 0.5 × 0.5। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि अब सिंपल मैथमेटिक्स आ गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ये डिवाइड कर देंगे। चाहे तो ये डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसको भी 6.5 को भी हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 6.5 × 6.5, थोड़ा सा और सिंपलिसिटी के लिए डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं, राइट ना। अब चाहे तो आप इसको शॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा 1.52 × 10^-2 न्यूटन। कैसे नेचर का है ये, रिपल्सिव नेचर का है, क्योंकि साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, राइट। अब बी का उन्होंने क्या बोला है, बी का भी उन्होंने सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, कंडीशन सेम लेते हैं, चार्ज सेम लेते हैं, लेकिन
नहीं सॉरी, चार्ज को वो बोल रहे हैं कि डबल कर दीजिए इसका, इसका डबल कर दीजिए, तो डबल हो जाएगा और उसके जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दीजिए। तो देखते हैं, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन, क्यू ए डेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी डेज इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू बी, ये समझ में आ जाता है हमें। एंड आर डेज इज नथिंग बट आर बाय 2, हाफ हो गए डिस्टेंस। तो अब क्या करते हैं हम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, न्यू फोर्स या एफ डेज भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डेज ए इंटू क्यू डेज बी अपॉन आर डेज स्क्वायर लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब बताइए, ये मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, क्यू के प्लेस पर क्या जाएगा 2 इंटू क्यू ए और ऐसा ही 2 इंटू क्यू बी और ये आ जाएगा आर बाय 2, आर बाय 2 हो जाएगा तो आर बाय 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर ऊपर क्या जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको मैं जब आगे एक स्टेप लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या मिल जाता है, 2 जा 4, 4 जा 16 हो जाएगा और ये क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। क्या है इसकी वैल्यू, या तो मैं इसको डायरेक्ट फोर्स लिख लूँ तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, तो इसके बाद मैंने एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, तो ये फोर्स एफ डेज कितने टाइम्स हो जाएगा, एफ टाइम्स एफ डेज विल बी 16 टाइम्स ऑफ ए, मतलब जो वैल्यू आ रही थी एफ की 1.52 इंटू 10 पावर माइनस 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैनर में इसका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। चलिए 1.13 को हम स्किप करते हैं, क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि ये नियर और वो ही क्वेश्चन को उन्होंने बोला है, एक कोई थर्ड चार्ज वो मिडिल में पुट करने का बोल रहा है, जो थर्ड बॉडी है जो न्यूट्रल है उसमें क्या होना है, तो वो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सेम क्वेश्चन, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। और अब मुझे सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर या एक्सरसाइज नंबर 1.14, ये कौन सा नंबर था 1.12, राइट। अब मुझे 1.13 करना है, तो 1.13 को देखते हैं, राइट, तो 1.13 देखता हूं, चलिए देख लेते हैं क्या है, 1.13 भी देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। अच्छा 1.13 मैंने स्किप कर दिया है, तो 1.14 देख लेते हैं, 1.14 में आपको 3 डायग्राम्स ये बना दिया, चलिए डायग्राम यही ले लेते हैं इसका, 1.14 का डायग्राम ये ले लेते हैं, डबल से बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया है, 3 पार्टिकल्स लिए हैं, 1 पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल, और उनके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसी बन रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे कोई डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो अब हम समझ लेते हैं, पहले तो ये समझ में आता है कि ये जो चार्ज होगा ये कोई ना कोई चार्ज बॉडी है, जो चार्ज होगा नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा, पहली बात तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और ये जो चार्जेस हैं वो दोनों ही चार्ज कैसे होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं, इसलिए ये पॉजिटिव की टूवर्ड्स है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1.14 देखते हैं और आंसर लिखते हैं। तो 1.14 में क्या बोल रहे हैं देखिएगा, ट्रेक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, साइन मैंने पहले ही ऑलरेडी दे दिया है, 1 एंड 2 चार्जेस सॉल्यूशन, चार्जेस 1 एंड 2 हैविंग, कौन सा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव, कौन से साइन होगा, हैविंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, एंड चार्ज थ्री के बाद बताइए क्या होगा, पॉजिटिव साइन। अब मीनिंग आपको समझ में आ गया है, क्यों पॉजिटिव साइन है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव जो फील्ड की साइड है वहां पर जा रहा है, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है। अब क्या बोल रहे हैं वो आपसे, विच पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल के पास मोर चार्ज मास रेशियो होगा, तो
तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज मास्टर रेशियो देख लेते हैं। तो वी नो दैट थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, अब यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। तो s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है हाफ a। a क्या हो जाएगा, a क्या होता, देखिए f इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग, एंड f इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड। यस, तो इन दोनों को इक्वल किया तो a की वैल्यू मेरे पास क्या जाती है, qe अपॉन m आ जाएगा ना। तो e की वैल्यू, a की वैल्यू हमने यहां रख दी, q into e upon m, और यहां पर आ जाएगा t square। अब इसमें 1/2 t square and e, these are all what, constant। तो हम इसको जो constant part है इसको equality में convert कर देते हैं, तो ये आ जाएगा displacement, या deflection भी बोल सकते हैं। displacement actually क्या है, यहां पर क्या है, deflection। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, q अपॉन m का, मतलब किसका डिफ्लेक्शन, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां पर क्लियर है, दिस चार्ज 3 हैज मोर डिफ्लेक्शन, देयरफॉर बताइए चार्ज मास रेशियो विल बी मोर, चार्ज मास रेशियो विल बी मोर फॉर चार्ज थर्ड। आई होप अंडरस्टूड दिस। और कुछ भी पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि हमें ऑलरेडी ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है डिफ्लेक्शन, और उसका रिलेशन यही होता है, तो इसलिए हम इसको समझ गए ऐसा में। ओके, चलिए आगे देखें। आई होप ये लिख लिया होगा आपने। चलिए मैं वो इरेज करता हूं और अब मैं देखता हूं 1.15। ओके, थैंक यू।